नोट डाउन करेंगे और भी अच्छे तरीके से जो है आपकी जो फाइलम्स हैं ये प्रिपेयर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टोटल डैश नंबर ऑफ स्पीशीज इन पैरा फाइलेटिक क्लास रिप्टीलिया। आई रिपीट, देयर आर दैट टोटल डैश नंबर ऑफ स्पीशीज इन पैरा फाइलेटिक क्लास रिप्टीलिया। ऑप्शन में है ऑप्शन ए 8,000, ऑप्शन बी 9,000, ऑप्शन सी 7,000 एंड ऑप्शन डी इज 6,000। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हमने बताना है क्लास रिप्टीलिया में। एमसीक्यू नंबर टू, द एज ऑफ रेप्टाइल्स, द एज ऑफ रेप्टाइल डैश इज, हमने एरा चूज करना है एंड गिवन ऑप्शंस में है ऑप्शन ए मीजोजोइक, ऑप्शन बी प्रोटेरोजोइक, ऑप्शन सी पैलियोजोइक एंड ऑप्शन डी इज सीनोजोइक। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द स्कल ऑफ रिप्टाइल्स द नंबर ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स इज। आई रिपीट, इन द स्कल ऑफ रिप्टाइल्स द नंबर ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर फोर, द टीथ आर एब्सेंट इन टेस्टी ज्वाइंट्स ड्यूरिंग दैट स्टेज। आई रिपीट, द टीथ आर एब्सेंट इन टेस्टी ज्वाइंट्स ड्यूरिंग डैश स्टेज। ऑप्शन ए लार्वा, ऑप्शन बी अडल्ट, ऑप्शन सी एम्ब्रियोनिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आपसे किसे वेरीफाई करते हैं अपने आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर वन का राइट ऑप्शन है ए। 8,000 स्पीशीज इन पैराफाइलेक्टिक क्लास रिप्टीलिया। क्वेश्चन नंबर टू का राइट ऑप्शन है ए, मीसोजोइक एरा इज कॉल्ड एज एज ऑफ रिप्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, द स्कल ऑफ रिप्टाइल हैज नंबर ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज टू। टू ऑसिपिटल कंडाइल्स हैं जिस रेप्टाइल्स के स्कल में, ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन है बी, टीथ आर एब्सेंट इन टेस्टुडाइन्स ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, द कॉमन मेंबर्स इंक्लूडेड इन द ऑर्डर क्योलोनियन आर, ऑप्शन ए सिलेमेंडर, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी टर्टल, ऑप्शन डी स्नेक। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रोकोडिलियन आर, द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रोकोडिलियन आर, ऑप्शंस में ऑप्शन ए ओविपेरस, ऑप्शन बी विविपेरस, ऑप्शन सी ओवोविविपेरस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
Question number 7. Which of the following clade include most of the living reptiles? I repeat, which of the following clade includes most of the living reptiles? Option A, lepidosaurs. Option B, ichthyosaurs. Option C, archosaurs. Option D, none of these. Question number 8. Respiration in reptiles takes place through, and given options are option A, skin, option B, gills, option C, lungs, and option D is epidermis. आंसर कैसे चेक करते हैं अपने आंसर्स को. क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी, टर्टल. जो है ऑर्डर हमारे पास जो किलोनियन है इसमें टर्टल्स शामिल हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रोकोडिलियन आर ओविपेरस. एंड क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ए, lepidosaurs clade include most of the living reptiles. And question number 8 ka jo right option hai that is C, lungs. Respiration in reptiles takes place through lungs. Next question pe chalte hain. Question number 9. The suborder Amphisbaenia of class Squamata having dash number of species. I repeat, the suborder Amphisbaenia of class Squamata having dash number of species. Squamata jo hai wo largest order hai reptiles ka, jisme snakes aur ye lizards shamil hain. To isme total number of species kitni hai? Option dekhte hain. Option A, 235. Option B, 145. Option C, 135. And option D, 37. Suborder Amphisbaenia में जो legless squamata है, legless reptile है specifically वो include है. Question number 10. All the reptiles shed their epidermal layer by the process called, I repeat, all the reptiles shed their epidermal layer by the process called, option A, shedding, option B, ecdysis, option C, molting, and option D, both B and C. Question number 11. The order Crocodilian have dash number of species. I repeat, the order Crocodilian have dash number of species. Option A, 27. Option B, 21. Option C, 38. Option D, 89. Question number 12. Dash is a type of skull in which temporal region is roofed by the dermal bones. I repeat, dash is a type of skull in which temporal region is roofed by the dermal bones. Given options are option A, napsid, option B, anapsid, option C, anamniotes, option D, synapsid.
आंसर की से चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज 135, यानी कि ऑप्शन सी. जो सब ऑर्डर है एम्फिसमेनिया क्लास 6 क्रोमेटा का, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 135 है. क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका राइट ऑप्शन है डी. ऑल द रेप्टाइल्स शेड देयर एपिडर्मल लेयर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्टाइसिस और मोल्टिंग, बोथ बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज बी 21. द ऑर्डर क्रोकोडिलियन हैव टोटल 21 स्पीशीज. और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ए नैप्सिड, यानी कि ऑप्शन बी. ए नैप्सिड जो है इज अ टाइप ऑफ स्कर्ल विद टेम्पोरल रीजन इज हूफ्ड बाय द डर्मल बोन्स, यानी कि ए नैप्सिड एक ऐसा स्कर्ल है जिसमें विच लैक्स वन और मोर ओपनिंग, इसमें एक ओपनिंग जो है वो रिड्यूस होती है, दैट्स व्हाई, या विदाउट ओपनिंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए नैप्सिड. अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 13. स्किन ऑफ रेप्टाइल्स इज ड्राई एंड हैव एपिडर्मल डैश. आई रिपीट, स्किन ऑफ रेप्टाइल्स इज ड्राई एंड हैव एपिडर्मल डैश. ऑप्शन ए में है स्पाइंस, ऑप्शन बी में है स्केल्स, ऑप्शन सी में है रिजिड्स एंड ऑप्शन डी में है ग्लैंड्स. क्वेश्चन नंबर 14. मेंबर्स ऑफ द सब ऑर्डर एम्फिसबेनिया फीड ऑन, आई रिपीट, मेंबर्स ऑफ द सब ऑर्डर एम्फिसबेना फीड ऑन. ऑप्शन ए वर्म्स, ऑप्शन बी स्मॉल इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी माइक्रोब्स एंड ऑप्शन डी वर्म्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 15. डैश फंक्शन इन ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स and produce extensive hemorrhage. I repeat, dash function in breakdown of red blood cells and produce extensive hemorrhage. Given options are option A hemorrhaging, option B hemoglobin, option C fibrinogen, and option D is none of these. Question number 16. Sole survivors of sphenodontia that radiate and decline during the Mesozoic era. I repeat, sole survivors of sphenodontia that radiate and decline during Mesozoic. Given options are option A turtles, option B totaras, option C snakes, and option D is crocodiles. I hope आप attentively lecture सुन रहे होंगे और अपने जो answers हैं उनको note down कर रहे होंगे. और एट दी एंड आप सब जो है हमारे साथ अपने स्कोर्स जरूर शेयर कीजिएगा. हमें भी जो है आपकी जो है हमारा जो मेथड है डिलीवर करने का या जो आपके रिजल्ट्स हैं उसे असेसमेंट में हेल्प होती है. नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है इसमें आंसर की से वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी स्केल्स. स्किन ऑफ रेप्टाइल्स इज ड्राई एंड हैव एपिडर्मल स्केल्स.
क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी. मेंबर्स ऑफ सब ऑर्डर एम्फिसबिना फीड ऑन वर्म्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी. एंड क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है ए. हेमोरेजिन फंक्शन इन ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड प्रोड्यूस एक्सटेंसिव हेमोरेज. एंड क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी. सोल सर्वाइवर ऑफ द स्फिनोडोंटिया दैट रेडिएट एंड डिक्लाइन ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा इज टोटारस. स्फिनोडोंटियास में से जो लिविंग अभी तक रेप्टाइल हैं दैट इज द सोल सर्वाइवर और वही जो अर्थ पे बचे हैं दैट इज टोटारस. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. टोटारा बिलोंग्स टू द ऑर्डर. आप टोटारा का हमने ऑर्डर बताना है. गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रिंकोस्फेलिया, ऑप्शन बी स्क्विमेटा, ऑप्शन सी क्रोकोडिलिया, ऑप्शन डी रेप्टिलिया. क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स आर ओविपेरस एंड ले डैश नंबर ऑफ एग्स इन अ मैस ऑफ डेड वेजिटेशन. आई रिपीट द स्टेटमेंट. एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स आर ओविपेरस एंड ले डैश नंबर ऑफ एग्स इन अ मैस ऑफ डेड वेजिटेशन. ऑप्शन ए 20 to 50, ऑप्शन बी 40 to 50, ऑप्शन सी 10 to 50 एंड ऑप्शन डी 20 to 30. क्वेश्चन नंबर 19. द बोन्स ऑफ रेप्टाइल्स आर कवर्ड बाय. आई रिपीट. The bones of reptiles are covered by option A calcium, option B keratin, option C chitin and option D vitamin D. क्वेश्चन नंबर 20. स्फिनोडोन पंक्टेटस द ओनली फाइलम ऑफ रिंकोस्फेलिया फाउंड इन. आई रिपीट. स्फिनोडोन पंक्टेटस द ओनली फाइलम ऑफ रिंकोस्फेलिया फाउंड इन. गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका and option D is United Kingdom. I hope आपने question number 17 से 20 तक के अपने answers जो हैं उनको note down कर लिया है. Next slide पे चलते हैं, answer की से verify करते हैं. Question number 17 का जो right option है that is A. Totara belongs to the order Rhynchocephalia. Question number 18 का जो right option है that is A. यानी 20 to 50. Alligators and crocodiles are oviparous and lay 20 to 50 eggs in a mass of dead vegetation. And question number 19 का जो right option है that is B. Bones of reptiles are covered by keratin. एंड क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी. स्फिनोडोन पंकेटस द ओनली फाइलम रिंकोस्फेलिया फाउंड इन न्यूजीलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. टीथ ऑफ क्रोकोडाइल्स आर अरेंज्ड इन सॉकेट्स. दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड एज. आई रिपीट. Teeth of crocodiles are arranged in sockets.
This type of dentition is called as, given options are option A, monodont, option B, thicodont, option C, bicuspids, and option D, none of these. Question number 22, living crocodiles include, I repeat, living crocodiles include option A, alligators, option B, crocodiles, option C, gavials, option D, all of these. Question number 23, male alligators make dash during mating season. I repeat, male alligators make dash during mating season. Option A, loud bellows. Option B, loud calls. Option C, echo sonar. Option D, none of these. Question number 24, snakes of subfamily Crotalin within family Viperidae are called, I repeat, snakes of subfamily Crotalin within family Viperidae are called dash. Option A, viper snakes. Option B, pit vipers. Option C, pythons. And option D, rattlesnake. I hope apne answers hai apne note down kar liye hain. Question number 21 to 24 ke answers check karte hain apne answer key se. Question number 21 ka jo right option hai, that is B, thicodonts. Teeth of crocodiles are arranged in sockets. And this type of dentition is called as thicodont, option B. Question number 22 ka right option hai D. Living crocodiles include alligators, crocodiles and gavials, yani ke all of these. Question number 23 ka jo right option hai, male alligators make dash, make loud bellows, option A, during mating season. Question number 23 का राइट ऑप्शन है ए, लाउड बेलोज. क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है स्नेक्स ऑफ सब फैमिली क्रोटालिन विद इन फैमिली विप्रिडी आर कॉल्ड एज पिट वाइपर्स. हम इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि पिट वाइपर्स जो है वो किस सब फैमिली से या किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी ऑप्शन बन सकता है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, लेसिथोट्रॉफी इज अ फिनोमिना इन विच डेवलपिंग यंग ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम. आई रिपीट, लेसिथोट्रॉफी इज अ फिनोमिना इन विच डेवलपिंग यंग ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम. ऑप्शन ए, योक सैक. ऑप्शन बी, प्लेसेंटा. ऑप्शन सी, मैटरनल सेल्स. ऑप्शन डी, एमनियन. क्वेश्चन नंबर 26, स्कल ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स इज मूवेबल, दे हैव डैश टाइप ऑफ स्कल. आई रिपीट, स्कल ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स इज मूवेबल, दे हैव डैश टाइप ऑफ स्कल. Given options are option A, unfused, option B, kinetic, option C, motile, and option D, jointed. Question number 27, amblyrhynchus
Cristatus is a dash of Galapagos Island feeds on underwater algae. I repeat, Amblyrhynchus cristatus is a dash feeds on Galapagos Island on underwater algae. Given options may option A, Gecko, option B, Skinks, option C, Marine Iguana, option D, Freshwater Iguana. साइंटिफिक नेम गिवन है और हमने उसकी कॉमन नेम्स उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस स्पीशी की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 28. विमरो नेजल ऑर्गन ऑल्सो कॉल्ड डैश आर पिट लाइक ऑर्गन्स इन द माउथ ऑफ स्नेक्स. आई रिपीट, विमरो नेजल ऑर्गन्स ऑल्सो कॉल्ड डैश आर पिट लाइक ऑर्गन्स इन द माउथ ऑफ स्नेक्स. Given options, option A, Jacobson's organ, option B, chemical sensory organs, option C, biting organs, option D, none of these. I hope आपने अपने question number 25 से 28 के जो answers हैं उनको note down कर लिया है. आंसर की से check करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, योक सैक. लेसिटोट्रॉफी जो है वो ऐसे डेवलपमेंट का ऐसा फिनोमिना जिसमें जो यंग वन है वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करे योक सैक से, दैट इज कॉल्ड लेसिटोट्रॉफी. वाइस वर्सा स्टेटमेंट भी हो सकती है इसकी. एंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है बी है, स्कल ऑफ लिजर्ड्स एंड स्नेक्स इज मूवेबल सो दे हैव काइनेटिक type of skull. Kinetic का मतलब such type of skull which is able to unhinge the jaw. जो अपने jaws को unhinge कर सके, that skull is known as kinetic skull. And question number 27 का जो right option है that is C, marine iguana. Amblyrhynchus cristatus is a scientific name of marine iguana which is of Galapagos Island and feeds on underwater algae. And question number 28 correct option hai, that is A, Vimro nasal organs also called Jacobson's organ are pit like organs in the mouth of snakes. आई होप आप लोग अपना जो स्कोर है वो साथ साथ मार्क कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स अकर डैश इयर्स अगो. गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन ए 130 मिलियन इयर्स, ऑप्शन बी 147 मिलियन इयर्स, ऑप्शन सी 120 मिलियन इयर्स and option D 110 million years. Question number 30. Paired clavicle fused ventrally and medially into, I repeat, paired clavicle fused ventrally and medially into. Given options, option A, plumage, option B, syncrum, option C, furcula, and option D, pygostyle. Question number 31. The gonads of birds are found in abdominal region present next to dash. I repeat, the gonads of birds are found in abdominal region present next to dash. Given options, option A, intestine, option B, kidney, option C, uterus, option D, anus. Question number 32. The class Aves have approximately dash number of orders. ऑर्डर्स का हमने नंबर बताना है क्लास सीरीज में.
Given options, option A, 23. Option B, 34. Option C, 27. And option D, 30. आंसर किसे वेरीफाई करते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है बी. एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स अकर 147 मिलियन ईयर्स अगो. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी. पेयर्ड क्लेविकल फ्यूज्ड वेंट्रली एंड मीडियली इनटू फर्क्यूला, यानी कि ऑप्शन सी. और फर्क्यूला को जो है वो बर्ड्स की विशबोन भी कहते हैं, जो कि इसका बहुत बड़ा रोल है बर्ड्स की फ्लाइट में बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी. एंड क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी. नेस्ट ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन एब्डोमिनल रीजन प्रेजेंट नेक्स्ट टू किडनी. एंड क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन है सी. The class of aves have approximately 27 number of orders. Option C. Next slide पे चलते हैं. Question number 33. Large flightless birds like ostrich and kiwi belongs to dash group of neurons. I repeat, large flightless birds like ostrich and kiwi belong to dash group of neurons. Option A mein paleognathi, option B neognathi, option C hologanathi, and option D none of these. Question number 34. Posterior caudal vertebrae of birds fuse to form a structure called dash. I repeat, posterior caudal vertebrae of birds fuse to form a structure called dash. Given options, option A, plumage. Option B, syncrum. Option C, furcula. Option D, pygostyle. Question number 35. The flight muscles attach to sternum and clavicle and extend towards. I repeat, the flight muscles attach to sternum and clavicle and extends towards dash. Given options, option A, humerus. Option B, radius. Option C, ulna. And option D, femur. Question number 36. Evolutionary link between reptiles and birds is. Option A, dinosaur. Option B, torts. Option C, archaeopteryx. And option D, crocodile. I hope आपने अपने जो क्वेश्चन नंबर 33 से 36 तक के जो आंसर्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया है. आंसर की से वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए. Flightless birds, ostrich and kiwi belong to paleognathy group of neurons. And question number 34 ka jo right option and that is D. Pygostyle, posterior caudal vertebrae of birds fused to form a structure that is called pygostyle. Vice versa bhi ho sakta hai. Hume pygostyle statement mein aur pucha jaye ki ye posterior caudal vertebrae hai ya anterior caudal ya anterior vertebrae hai.
क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी फीमर. फ्लाइट मसल्स अटैच टू स्टर्नम एंड क्लेविकल विच एक्सटेंड्स टूवर्ड्स फीमर. क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी. एवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज आर्कियोपटेरिक्स ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. एग्स लेड बाय फीमेल बर्ड इन द नेस्ट एट अ टाइम इज टर्म्ड एज. आई रिपीट द स्टेटमेंट. एग्स लेड बाय फीमेल बर्ड इन अ नेस्ट एट अ टाइम इज टर्म्ड एज. गिवन ऑप्शंस. ऑप्शन ए एग लेइंग. ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन. ऑप्शन सी क्लच. ऑप्शन डी पाइरोस्टाइल. क्वेश्चन नंबर 38. बर्ड्स आई रिजेंबल्स दैट ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स इन ग्रॉस स्ट्रक्चर बट दे आर डैश स्ट्रक्चर. I repeat the statement. Bird's eye resembles that of other vertebrates in gross structure, but they are dash structure. हमने point of difference निकालना है between bird's eye and the other vertebrates eye. Option A में है mobilized. Option B immobilized. Option C slightly mobilized. And option D none of these. Question number 39. A distinctive feature of bird eye is dash, a highly vascularized organ attached to retina near optic nerve. I repeat the statement. A distinctive feature of bird eye is dash, which is a highly vascularized organ attached to retina near optic nerve. Given options may option A, pectin. Option B, cone cells. Option C, rods. And option D, both B and C. Question number 40. In birds of prey, fovea is a region of dash. I repeat. In birds of prey, fovea is a region of dash. Option A may binocular vision. Option B keenest vision. Option C multiple vision. Option D all of these. आंसर की से चेक करते हैं अपने आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 37 to 40. क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है दैट इज सी क्लच. एग्स लेड बाय फीमेल बर्ड इन अ नेस्ट एट अ टाइम इज टर्म्ड एज क्लच. क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी इमोबिलाइज्ड. बर्ड्स आई रिजेंबल दैट ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स इन ग्रॉस स्ट्रक्चर बट It is different in terms of immobilized. Question number 39 का जो right option है that is A, pectin. Pectin is a highly vascularized organ attached to retina near optic nerve. ये birds की एक distinctive feature है. And question number 40 का जो right option है that is B. जो birds of prey, जो predatory birds हैं उनकी स्पेशल एक रीजन आई में दैट इज टर्म्ड एज फोविया एंड दैट इज दिस रीजन इज स्पेशलाइज्ड फॉर कीनेस्ट विजन. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. काकापू इज अ फ्लाइटलेस डैश विच क्लाइम्स ट्री यूजिंग इट्स हाइंड एंड लिम्स
and glides among trees using its wings occasionally. I repeat the statement. Kakapoo is a flightless dash which climbs the tree using its hind limbs and glides among trees using its wings occasionally. काकापू का हमने दूसरा नाम बताना है. फ्लाइटलेस बर्ड है, गिवन ऑप्शन में है. ऑप्शन ए न्यूजीलैंड पैरट, ऑप्शन बी अमेरिकन पैरट, ऑप्शन सी एशियन पैरट, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन पैरट. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लूज फेदर्स मोर लाइक फर एंड इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. आई रिपीट. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लूज फेदर्स मोर लाइक फर इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. ऑप्शंस में ऑप्शन ए ऑस्ट्रिच, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी पेंगुइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. Question number 43. The term ratatus refers to given options. Option A flightless bird, option B primitive birds with reptilian skull, option C modern birds, option D both A and B. आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 41 से 43 तक के अपने आंसर्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया है. आंसर की से वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन है ए काकापू इज अ फ्लाइटलेस न्यूजीलैंड पैरट. काकापू इज अ फ्लाइटलेस न्यूजीलैंड पैरट, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन है बी कीवी. कीवी जो है इसमें लूज फैदर्स हैं विच आर लाइक फर एंड इट्स फ्लाइटलेस बर्ड. क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी बोथ ए एंड बी. द टर्म रेटिटिस रेफर्स टू फ्लाइटलेस बर्ड एंड प्रिमिटिव बर्ड विद रेप्टिलियन स्कल. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. Question number 45. Heart of birds is dash. Options mein, option A venous heart, option B two chamber, option C three chamber, option D four chambered. Question number 46. In birds, sternum is modified into. I repeat. In birds, sternum is modified into. Given options. Option A, keel. Option B, clavicle. Option C, scapula. And option D, cervix. Question number 47. Which of the following muscles are concerned with bird flight? I repeat. Which of the following muscles are concerned with bird flight? Given options may option A pectoralis, option B supracoracoides, option C bicep femoralis, and option D both A and B.
Question number 48. Birds descended from ancient. Option A, lepidosaurs. Option B, testudines. Option C, synapsids. And option D, archosaurs. I hope आपने question number 45 to 48 के answers note down कर लिए हैं, answer की से verify करते हैं. Question number 45 का right option है D. Heart of birds is four chambered. Question number 46 का right option है A. Sternum is modified into keel. Question number 47 का right option है D. Pectoralis and supracoracoides both muscles are involved in flight. And question number 48 का right option है D. Archosaurs. Birds descended from ancient archosaurs. Next question. In 1861, the fossils of Archaeopteryx were found in a state quarry in. I repeat, in 1861, the fossils of Archaeopteryx were found in a state quarry in. Option A, China. Option B, Germany. Option C, America. And option D, Spain. Question number 50. Vultures are members of the order. Option A, Anseriformes. Option B, Pelicaniformes. Option C, Falconiformes. And option D, Galliformes. Answer kisi check karte hain. Question number 49 ka right option hai D, Germany. Archaeopteryx ke fossils jo hain wo Germany se 1861 mein find out hue. And question number 50 का right option है C, falconiforms. ये भी vice versa MCQ हो सकता है कि हमें falconiforms देके options में पूछा जाए कि कौन से birds हैं जो इस order से belong करते हैं. I hope आपने अपना lecture जो है वो attentively सुना है, note down किया है अपने answers को. आपने अपने scores हमारे साथ जरूर share करने हैं और इंशाल्लाह इसी तरह आप जब तक test नहीं है हमारी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम टॉपिक्स बल्कि कंप्लीट टॉपिक्स जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएं, लेक्चर्स आपके साथ कवर किए जाएं और आपका टेस्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा अगर आपने प्रिपरेशंस की जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स हैं और अपने लेक्चर्स को जो है वो आपने अटेंड किया है, नोट डाउन किया है, उनको फॉलो किया है, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट इसका निकलेगा. गुड लक टू एवरीवन फॉर टेस्ट. अल्लाह हाफिज़.